नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने फिर से राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल जो चल रहे हैं उनकी अपडेट के साथ फिर से चर्चा करेंगे और आज अपने बात करेंगे गर्ल्स इवेंट को लेकर। जो गर्ल्स के इवेंट है उनको लेके चर्चा करेंगे। इसमें आपको जिन भी गर्ल्स का अभी तक लड़कियों का फिजिकल होने वाला है उनको फिजिकल जब उनका हो रहा है तो उस दौरान उनको कौन कौन सी जो प्रमुख बातें हैं उन पे ध्यान रखना है या कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है जिसकी वजह से अक्सर क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और आप फिजिकल से बाहर हो जाते हो तो उन पे चर्चा करेंगे। तो गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य दो इवेंट है क्योंकि एक इवेंट है जो आपका पैदल चाल ये तो आपका आराम से पूरा हो जाएगा। इसमें गर्ल्स के लिए रखा गया 16 किलोमीटर और ये आपका रहेगा 4 घंटे में, ये तो आराम से पास हो जाता है। बॉयज का 25 किलोमीटर है और गर्ल्स के लिए अगर बॉयज की बात करें तो यहां पे रखा गया 25 किलोमीटर, टाइम वही सेम 4 किलोमीटर। तो देखिए गर्ल्स के लिए जो प्रमुख दो इवेंट है उसमें अपने बात करें, एक तो है गोला फेंक, और जो दूसरा इवेंट है वो है ब्रॉड जंप। ये दोनों इवेंट गर्ल्स के लिए, जैसे बॉयज की बात करें तो बॉयज के लिए जैसे बॉल थ्रो जो प्रमुख इवेंट है जिसमें मैक्सिमम विद्यार्थी है वो फेल हो रहे हैं, उसी प्रकार से गर्ल्स के लिए ये दो इवेंट है जो प्रमुख है। लेकिन ये इतने टफ नहीं है। अगर आपने जो भी गर्ल्स लड़की है उसने अगर अच्छे से तैयारी कर रखी है या उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है तो आराम से उनका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो छोटी चीजें जो प्रमुख बातें हैं वो ध्यान रखनी है, ये कि जैसे घोड़ा आप फेंक रहे हो तो घोड़ा फेंक रहे हो तो आप इस प्रकार के आपका एक सर्कल बना होता है, इस प्रकार से आपको सर्कल में खड़े होके और यहाँ पे थ्रो करना होता है और यहाँ पे एक सामने लाइन लगी होती है। जब आप यहाँ पे घोड़ा थ्रो कर रहे हो तो इस सर्कल के अंदर अंदर आप रह सकते हो और यहां से आपको जब भी थ्रो कर रहे हो तो आपका पैर है वो इसके बाहर फाउल नहीं होना चाहिए। अगर घोड़ा थ्रो करते समय जैसे यहां से आप फेंक रहे हो तो आपका पैर अगर कट गया ना, बाहर निकल गया, तो वो चीज फाउल मानी जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आराम से खड़े होके प्रैक्टिस करिए और शोल्डर को पूरा यूं वार्म अप करने के बाद में आराम से पूरा फोक्स जोर से पूरा जोर एक साथ लगा दें ताकि आपका घोड़ा आराम से पार हो जाए और इस लाइंस को पार करते हुए गिर जाए। तो यहाँ पे जो प्रमुख बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपका पैर है वो इस घोड़े से बाहर कटना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अपने ब्रॉड जंप की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए दो लाइन लगी होती है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे जब आप जंप करते हो तो यहाँ पे भी आपको इससे पीछे खड़ा होना होता है। आपका पैर अगर आगे निकल गया और अगर जंप करने के बाद में इससे पहले आप रह जाते हो तो वो तो फाउल है ही, लेकिन यहाँ से अगर पैर आपका निकल जाता है तो ये भी बिल्कुल आपका फाउल माना जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, आप थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाए क्योंकि बाई चांस अगर आप जंप ले रहे हो अचानक से मूव कर रहे हो तो आपका पैर गलती से भी गलती ना हो आपसे, यानी कि पैर आप लाइन से ना आगे हो और आपका फाउल ना हो किसी भी वजह से, क्योंकि छोटी से छोटी गलती अगर आपसे हो गई है तो आप पूरी आपकी मेहनत पूरा इवेंट आपका खराब हो जाए और उसके बाद में आपका ये मान के चलो कि आपके पास जो गोल्डन चांस है फॉरेस्ट गार्ड बनने का वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखिए और जब करने के बाद में आपको यहाँ से आगे से नहीं जाना है इस चीज का ध्यान रखें। ये चीज आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उस दौरान, क्योंकि उस दौरान जब आप वो जो भी इवेंट कर रहे हो तो माइंड पे आपको खुद को कई बार ये होता है कि पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा होता, तो उस चीज को आप पूरा समझ के ध्यानपूर्वक करें, अच्छे से करें और बाकी ज्यादा कुछ तो इसमें है ही नहीं। और इसी प्रकार घोड़ा जब बॉल थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, जिसे पीछे मैंने बताई थी लेकिन इस चीज को मैंने आपको नहीं बताया था। क्या नहीं बताया, जैसे यहाँ पे बॉल थ्रो कर रहे हो, यहाँ पे बॉल थ्रो आप कर रहे हो तो यहाँ पे ये होता है कि कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये डाउट आता है या कई जगह ऐसा हुआ भी होगा कि
बॉल हाथ में है, बॉल थ्रू होने के बाद में, क्योंकि बॉल तो आपके हाथ से थ्रू हो चुकी है, जैसे यहाँ पे बॉल आपने थ्रो कर दिया, ये बॉल तो जा चुकी है आपके हाथ से, तो उसके बाद में अगर आप लाइन से आगे चले जाते हो तो क्या वो फाउल माना जाएगा? बिल्कुल फाउल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा और कब तक कैसे फाउल माना जाएगा और कब फाउल नहीं माना जाएगा, उस चीज का ध्यान रखें। देखिए, बॉल आपने थ्रो कर दिया और थ्रो करने के बाद में जो 55 मीटर की लाइन है उससे बॉल नीचे जमीन को टच कर गई, टच करने के बाद में अगर आप उस लाइन को पीछे वाली से आप आगे जाते हो तो फाउल नहीं माना जाएगा, लेकिन बॉल थ्रो आपके होते ही और आप उस लाइन से आगे निकल गए हो जिस लाइन से आपने बॉल फेंका था, तो वो अवश्य रूप से फाउल माना जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो जो कब चीजें थी प्रमुख और बाकी फिजिकल है वो रोजाना चल रहे हैं, कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में, और अभी धीरे धीरे जो पास रेशियो है यानी कि सफल अभ्यर्थियों का रेशियो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभ्यर्थियों को खुद पे विश्वास हो रहा है, उनको ऐसी क्लियर हो रही है, और जो सफल होने का रेशियो है वो तो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, और असफल होने का वो रेशियो है वो डे बाई डे डिक्रीज हो रहा है, ये रेशो गिर रहा है ये रेशो बढ़ रहा है। शुरू में अपने बात करी तो लगभग 30 से 35% विद्यार्थी ही पास हो रहे थे, और यहाँ पे लगभग 60 से 65% विद्यार्थी फेल हो रहे थे, लेकिन अब ये रेशो बढ़ चुका है और अब लगभग 50 अप्रोक्सीमेट 50-55% के अराउंड विद्यार्थी इसमें पास हो रहे हैं और लगभग 45% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। धीरे धीरे जब लास्ट तक जाएगा ना इवेंट, तो हर चीज विद्यार्थियों को क्लियर हो जाएगी कि सेटअप कैसे करवाए जा रहे हैं और बॉल थ्रो कैसे करवाए जा रहे हैं, वो आराम से कैसे कर सकते हैं, तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। जब आपको पहले से हर चीज क्लियर है तो आप आराम से हर टास्क को, हर इवेंट को बहुत अच्छे से कर सकते हो, और ये आपके पास गोल्डन चांस है। क्योंकि कट ऑफ की बात करें, क्योंकि जल्दी हमारा एक वीडियो आएगा, एक फाइनल वीडियो आएगा, जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम फाइनल वीडियो करेंगे, कट ऑफ क्या रहेगा, कितना कुछ बढ़ सकता है, कितना आपको नुकसान हो सकता है, या जिनके कम नंबर है उनके लिए क्या कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट जल्दी 2-4 दिन में मैं एक एक्सपेक्टेड यानी कि एक संभावित लेके आऊंगा, इसमें जितना अभी तक फिजिकल हुआ उस आधार पे, तो उस आधार पे हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या कुछ इसका प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बार बार व्यक्ति पूछ रहे हैं कॉमेंट की कट ऑफ के बारे में थोड़ा बताइए, तो हम एक जल्दी एक वीडियो लेके आने वाले हैं। तो बस चैनल पे आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, रोजाना आपको अपडेट रहेंगे देते रहेंगे। तो देखिए, रोजाना जो चीज कॉमन है वो तो हम बता ही रहे हैं, वो चीज तो आप सभी को बताया, लेकिन जो चीज बच्चे जहाँ पे ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, तो आज हमने वही चीज शेयर करी कि बॉल थ्रो के अंदर आपका बॉल थ्रो होने के बाद में अगर हाथ से बॉल आपकी छूट चुकी है, क्योंकि विद्यार्थी ये सोचते हैं कि बॉल तो हाथ से निकल चुकी है तो अब आप लाइन से आगे जाते हो तो फाउल क्यों माना जाता है, लेकिन वहां पे रूल ये है कि बॉल आपके थ्रो होने के बाद में अगर 55 मीटर लाइन से आगे जाके या जहाँ पे भी आगे गिर रही है वहां पे जमीन को टच करने के बाद में अगर आप निकल जाते हो तो फाउल नहीं माना जाएगा, लेकिन इतनी देर आप वेट थोड़ी करोगे कि कब वो लागे करिए या कब आप उस लाइन से आगे जाओ, तो फिर तो आप साइड में हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान रखिए इस बात का, जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करनी है, फाउल का विशेष ध्यान रखना, चाहे बॉयज की बात करें चाहे गर्ल्स की बात करें, ब्रॉड जंप गोला से फेंकना हो या फिर बॉल थ्रो की बात करें, ठीक है ना। और बॉल कुछ विद्यार्थी ये भी कमेंट करते हैं कि बॉल ये थ्रो के लिए बॉल कौन सी है, तो लगभग सभी विद्यार्थियों को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है, लगभग लेदर की बॉल होती है ये, एक लेदर की बॉल होती है जो 250 रुपए की बाजार में मिलती है, जिसमें पिंक कलर की भी होती है और ये जो रेड कलर की भी होती है और इसमें व्हाइट कलर की भी बॉल आती है, तीनों कलर की होती है, लेकिन जो फेंकने के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको वो रेड कलर की बॉल है वो देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो भी चीज बताई गई आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी। कोई भी आपका प्रश्न अभी भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे चैनल पे पीछे जितने भी वीडियोज हुई है कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं है तो उनको भी देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, रोजाना हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जो भी आवश्यक अपडेट होगी, कोई भी बदलाव हुआ होगा, कोई भी चीज़ चेंज करी होगी कहीं भी, तो वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अभी तक सब कुछ कॉमन चल रहा है, कोई भी खास परिवर्तन किसी में नहीं हुआ है, तो इसलिए वही चीज़ हम जहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं वो चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी अवश्य रूप से दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी पता चल सके। तो मिलेंगे फिर से नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक।